हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम दो इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं को कंप्लीट करेंगे, जिसमें से दो हम दोस्तों हमारी पहली अभिक्रिया हेल बोलहार्ड जिलिस की अभिक्रिया। ठीक है, तो हेल का एच, बोलहार्ड का भी और जिलिस की का जेड, मतलब दोस्तों इसको एच भी जेड अभिक्रिया भी कहते हैं। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड दोस्तों हमारी रिएक्शन है सिमेट अभिक्रिया। सिमेट अभिक्रिया दोस्तों, इससे पहले हम कॉल्बे सिमेट अभिक्रिया को पढ़ चुके हैं, तो वो कॉल्बे सिमेट अभिक्रिया अलग है और ये सिमेट अभिक्रिया अलग है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे हेल बोलहार्ड जिलिस की अभिक्रिया, एच बी जेड अभिक्रिया। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले एच बी जेड अभिक्रिया की बात करें, इसमें होता क्या है इसकी बात करें, तो दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, जो एच बी जेड या हेल बोलहार्ड जिलिस की अभिक्रिया होती है, इसमें हम कार्बोक्सिलिक अम्ल, अब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब एसिटिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल मतलब क्या, CH3COOH, COOH। इस कार्बोक्सिलिक अम्ल, इस एसिटिक अम्ल की, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हम कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं फास्फोरस या आयोडीन, फास्फोरस या आयोडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है, मैंने क्या बोला, इस अभिक्रिया में हम क्या कराते हैं, एसिटिक जो अम्ल होता है, इस एसिटिक अम्ल की सूर्य के प्रकाश और फास्फोरस व आयोडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरीन से या फिर ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं। क्या बोला मैंने, क्लोरीन से या फिर ब्रोमीन से अभिक्रिया कराते हैं, समझ गए ना। ठीक है, तो दोस्तों जब हम इस क्लोरीन से या ब्रोमीन से अभिक्रिया कराएंगे तो मेरे भाई होगा क्या, इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि जो क्लोरीन होगा मेरे भाई, कि क्लोरीन इन हाइड्रोजन को बाहर कर देगा, हाइड्रोजन को बाहर कर देगा। अब ये हाइड्रोजन को बाहर कर देगा तो किसी को तो यहां पर जाना पड़ेगा, तो मेरे भाई हाइड्रोजन को बाहर करके खुद जाकर यहां पर, ये भाई साहब जो है ना दिख रहे हैं ना आपको सीधे साधे, भाई साहब यहां पर जाकर जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों तीन हाइड्रोजन है, तो तीन हाइड्रोजन को बाहर करने के लिए हमें तीन क्लोरीन चाहिए, और तीन क्लोरीन जब बाहर हो जाएंगे तीन हाइड्रोजन, तो तीन क्लोरीन यहां पर जुड़ने के लिए चाहिए, तो टोटल मेरे भाई यहां पर हमें छह क्लोरीन चाहिए। अब छह क्लोरीन चाहिए तो इसमें हमें तीन लगाना पड़ेगा, तो तीन दूनी छह। ठीक है, अब छह क्लोरीन लेंगे तो मेरे भाई होगा क्या, जो तीन क्लोरीन है तीन हाइड्रोजन को बाहर कर देंगे और बन जाएगा 3HCl, 3HCl, 3HCl हो गया बाहर। अब मेरे भाई बचा क्या, देखो तीन ने तो बाहर कर दिया, अब तीन क्लोरीन है ना वो यहां पर जाकर जुड़ जाएंगे, जब यहां पर जाके जुड़ जाएंगे तो ये C और ये CCl3 हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन तो चला गया, तीन है क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएंगे, तो C तो पहले से ही है और CCl3। अब ये हमारा बचा क्या, सिंगल बॉन्ड COOH है ना, या फिर आप कोई दिक्कत नहीं COOH लिख दो, तो डायरेक्ट है ना COOH। ठीक है, तो देखो COOH जोड़ दिया, मतलब ये एसिटिक अम्ल है, मतलब ये एसिटिक अम्ल है, कोई दिक्कत नहीं एसिटिक अम्ल है, लेकिन मेरे भाई इसमें तीन सीएल आ गए, तो तीन सीएल को हम बोलते हैं क्या, ट्राई क्लोरो, तो ट्राई क्लोरो और ये पूरा क्या है, एसिटिक अम्ल, तो मेरे भाई इसका नाम क्या है, ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल, इसका नाम है ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने क्या किया, हम इस अभिक्रिया में क्या करते हैं, एसिटिक अम्ल की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फास्फोरस या आयोडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरीन से या ब्रोमीन से अभिक्रिया कराते हैं, तो ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को मेरे भाई बोलते हैं हेल बोलहार्ड जिलिस की अभिक्रिया,
एचबीजेड अभिक्रिया। तो इसकी आप थ्योरी देख लीजिए, ठीक है। सुनो, इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल की या एसिटिक अम्ल की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बा फास्फोरस बा आयोडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरीन से या ब्रोमीन से अभिक्रिया कराते हैं, फलस्वरूप ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हेल बोलहाइड जेलिस की अभिक्रिया या एचबीजेड अभिक्रिया कहते हैं। बस देखो, ब्रोमीन लोगे तो ट्राई ब्रोमो एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा, तो ये हमारी हेल बोलहाइड जेलिस की अभिक्रिया हुई, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारी सिमेंट अभिक्रिया। तो दोस्तों, ये सिमेंट अभिक्रिया में हम करते क्या है, तो ये भी सिंपल है। सिमेंट अभिक्रिया में भी हम क्या करते हैं दोस्तों, जो एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल CH3COOH, यही होता है ना एसिटिक अम्ल, इस एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अब ये हाइड्रोजोइक अम्ल क्या होता है, तो दोस्तों N3H, ये होता है हमारा हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रे हाइड्रे जोइक अम्ल, हाइड्रे जोइक अम्ल, ठीक है। सीमेंट अभिक्रिया में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, और मेरे भाई 50 से 55 डिग्री सेल्सियस हम इसमें ताप रखते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, सीमेंट अभिक्रिया में हम क्या बोल करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 50 से 55 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ओके, तो होता क्या है मेरे भाई, होता क्या है, आपका जो दिख रहा है ना COO, ये CO2 बनाकर निकल जाता है बाहर, तो ये CO2 हो गया बाहर, कोई दिक्कत। अब इधर देखो, आपको N3 दिख रहे हैं, तो N3 में से 2H, सॉरी N3 में से 2N N2 बनाकर निकल जाएंगे बाहर, N2 बनाकर निकल जाएंगे बाहर, ठीक है। अब 2N N2 बनाकर निकल गए, ठीक है, 2COO CO2 बनाकर निकल गए, अब बचा क्या, तो देखो एक CH3 बचा, इधर से 1H और इधर से 1H, और इधर क्या बचा, 1N बचा, बचा कि नहीं, तो 1N2H के साथ जुड़ के बना देगा NH2, तो ये हमारा CH3 और ये हमारा बना NH2, एक एन बचा, 2H बचे, 1H और ये 1H, तो NH2 बन गया, तो ये CH3 है ना, तो ये क्या है मैथिल और ये क्या है एमीन, तो ये बन गया हमारा मैथिल एमीन, मैथिल एमीन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन, तो ये हमारा प्राथमिक एमीन बन गया, कोई दिक्कत है, इजी है यार मेरे भाई, क्या दिक्कत हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो क्या लिखोगे, इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 50 से 55 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो प्राथमिक एमीन मैथिल एमीन प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को सिमेंट अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपका क्लियर हुआ, दो टॉपिक लिए थे, क्लियर हुए, तो आई होप दोस्तों कि आपके समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।